नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका पटेल। और नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। अचानक लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई है। अचानक शुगर लेवल बढ़ जाने से उन्हें चक्कर आने और घबराहट की शिकायत के बाद पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केंद्र में भर्ती कराया गया है। प्रॉपर इलाज शुरू हो गया है। लालू यादव के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर एस के सिन्हा ने जानकारी दी है कि लालू यादव को मुंबई रेफर करा दिया गया है। शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाने से यह परेशानी हुई थी। फिलहाल लालू यादव की तबीयत ठीक है और उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा सरकार का आज शक्ति परीक्षण होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 स्पष्ट निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में तत्काल विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश दिया है। ये अस्थायी अध्यक्ष नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। यह प्रक्रिया आज शाम 4 बजे से पहले पूरी करनी होगी और 4 बजे बहुमत का शक्ति परीक्षण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मोदी 2 अलग अलग कार्यक्रमों में श्रीनगर रिंग रोड और जम्मू रिंग रोड की आधारशिला रखेंगे। वहीं कश्मीर के बांदीपोरा जिले में वो 330 मेगावाट किसन गंगा जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत 3 दिन के प्रवास पर 22 मई को पटना आ रहे हैं। सर संचालक का यह प्रवास नवादा में चल रहे संघ शिक्षा वर्ग के लिए है। वे 22 मई की सुबह पटना आएंगे और उसी दिन नवादा के लिए प्रस्थान भी करेंगे। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के जयराम दास शाह रोड में बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने एक व्यवसायी से लगभग 4 लाख रुपए लूट लिए। लूट की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बक्सर जिले में बीती देर रात अपराधियों ने नगर थाना क्षेत्र के चीनी मिल इलाके में बसपा के प्रदेश महासचिव और नादाव के पूर्व मुखिया कुटी यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के धरहरा मठिया के पास कुछ असामाजिक तत्व शराब की बिक्री और उसका सेवन कर रहे थे। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए 3 राउंड हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध में सड़क जाम कर हंगामा किया। बेगूसराय में देर रात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना डंडारी थाना क्षेत्र के बलहा गंडक के पास की है। खगड़िया जिले के कैथी गांव के बीएन तटबंध पर भूसे से भरे बोरे में राधा रानी की मूर्ति बरामद की गई है। बताया जाता है कि खगड़िया के चौथम गांव ठाकुरबाड़ी से राधा रानी की मूर्ति कुछ दिनों पहले ही चोरी हो गई थी, जो कि तटबंध पर लावारिस अवस्था में मिली थी। अंदाजा मूर्ति का तस्करी का लगाया जाता है। शुक्रवार को दिल्ली डेयर डेविस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 34 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी दिल्ली ने 5 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए और चेन्नई 6 विकेट पर 128 रनों पर ही सिमट गई। और ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं citypostlive.com पर।